खम्बा घनी तम सबको मेरी घनी घनी राम राम। आज का टॉपिक तो पता है टिप का, पढ़ाई में मन कैसे लगाए, है ना। आप सबने बहुत सारे लोगों से सुना होगा कि अपना लक्ष्य ढूंढ लो कि आप क्यों पढ़ रहे हो, फिर आपका पढ़ना बिल्कुल 100% श्योर है, आप पढ़ ही लोगे। किसी का लक्ष्य होगा माँ बाप का नाम रोशन करना है, किसी का लक्ष्य होगा मुझे उसको दिखाना है, उससे दुश्मनी निकालनी है, मैं इतने लेवल तक पहुँच के दिखाऊंगा। और मुझे लग रहा है ये कारण बहुत सारे लोगों का मिलने वाला है, मुझे उसको दिखाना है। चलो ये तो पता चल गया, आपको मकसद पता चल गया क्यों पढ़ना है आपको, ठीक है, कारण ढूंढ लिया, लेकिन फिर भी पढ़ाई नहीं हो रही, फिर भी नहीं पढ़ पा रहे, फिर क्या कर रहे हैं। एक दिन तो 5 घंटे पढ़ लिए, अगले दिन 1 घंटा, उससे अगले 4 दिन 0 पढ़ाई, कि पहले 5 घंटे बहुत पढ़ लिए, अब नहीं पढ़ना, है ना, ऐसा होता है ना। तो उसका क्या है, अब एग्जाम्पल सुनो, क्या कारण है। व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर, टिकटॉक चला गया, मुझे लग रहा है स्नैपचैट आ गया, बहुत ऐड आ रही है आजकल यूट्यूब पे, आप सब लोग यूज़ भी कर रहे होंगे, वो तो एक दिन में 10-10 मिनट बाद हम लोग चेक करते हैं, उसको तो नहीं भूलते, उसका क्या कारण है। उसका कारण है इन सोशल मीडिया चीजों को हमने अपनी आदत बनाया हुआ है। तो पढ़ाई कैसे होगी, पढ़ाई में मन कैसे लगेगा, जब हम लोग पढ़ाई को अपनी आदत बनाएंगे। पढ़ाई को अपनी आदत बना लो, पढ़ाई खुद ब खुद हो जाएगी। आदत बनाने में थोड़ा टाइम लग सकता है, शुरुआत में दिक्कत आएगी, लेकिन आदत बन गई तो आरएएस के लिए 1-1.5 साल पढ़ना पड़ता है, वो पढ़ जाओगे। पटवारी के लिए 6-8 महीने पढ़ना पड़ता है, वो लगातार पढ़ जाओगे। आदत कैसे बनाए, 2 मिनट से शुरुआत करो, मेरे कहने से। मैं नहीं कहती बड़े टारगेट रखो, 5 घंटे पढ़ो, 10 घंटे पढ़ो, 2 मिनट में एक पेज पढ़ लो। आप कहोगे 2 मिनट में क्या होता है, आरएएस थोड़ी बन जाएंगे। मैं शुरुआत की बात कर रही हूँ, 1 हफ्ता करके देखो, 1 पेज पढ़ो, अगले दिन आपको उस पेज में मजा आ जाएगा, आप 2 पेज पढ़ लोगे, तीसरे दिन 3 पेज पढ़ दोगे, और छोटा लक्ष्य रखो कि आज मुझे 1 पेज पढ़ना है, 2 पेज पढ़ना है, 3 पेज पढ़ने हैं। चौथे दिन अगर आपको उस चीज़ में मन लग गया, मैं गारंटी दे रही हूँ उस चीज़ को पढ़ने में आप 2 घंटे भी लगा दोगे, आपको पता भी नहीं चलेगा, समझे। तो पढ़ाई में मन कैसे जब लगेगा, जब पढ़ाई को हम लोग अपनी आदत बनाएंगे। आदत जरूरी है, और 1 हफ्ता आप सही तरीके से पढ़ लिए तो खुद को अवार्ड भी दो। अवार्ड देने का मतलब ये नहीं है माँ बाप आके बहुत ज़्यादा तारीफ करेंगे, बेटा बहुत कुछ पढ़ लिया, और कोई बाइक वाइक ही दिला देंगे, बुलेट शुलेट, ऐसा नहीं भाई। कोई छोटा मोटा आप अपने आप को चॉकलेट, जो आपकी फेवरेट डिश है वो बना के खा ली, ठीक है, किसी फ्रेंड से मिलने का मन कर रहा है वो कर लिया, इस तरह के छोटे मोटा आप खुद को अवार्ड कर सकते हैं, जो आपकी कोई हॉबी है उसको प्रैक्टिस कर लिया। और इसी तरह से जैसे जैसे आदत बन जाएगी, पढ़ाई को एंजॉय करने लग जाओगे, उसमें घनो घनो मजो आने लग जाएगा, तो आप सबकी बात बन जाएगी, ठीक है। मुझे लग रहा है आज की डेली टिप आप सबको पसंद आई होगी, मेरे बारे में सब कुछ जानते हैं, आरएएस एसीएफ एग्जाम्स की तैयारी, बहुत सारे आरपीएससी एग्जाम्स की तैयारी अनअकैडमी प्लस पे कर सकते हैं। तरुणा लाइव मेरा रेफरल कोड है, इसको यूज़ कीजिएगा 10% डिस्काउंट के लिए। डेली मेरा सेशन होता है 7:30 बजे यूट्यूब पे, आप सभी आइएगा, फेसबुक पेज है, यहाँ मुझे फॉलो कीजिए, मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, कोई भी बात आपको पूछनी हो मुझसे डायरेक्टली पूछ सकते हैं। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, क्या करोगे, लाइक सब्सक्राइब शेयर करना मत भूलिएगा, वो तो आप करते ही हैं, कमेंट्स दीजिएगा, कमेंट्स दीजिएगा। इस दुनिया के अंदर शब्द जो है ना, एक बहुत बड़ी छाप छोड़ते हैं, और आपके शब्द मेरे लिए बहुत कीमती हैं, बहुत कीमती हैं, तो कमेंट्स देना मत भूलिएगा। कल मिलूंगी आप सबसे एक नई डेली टिप के साथ, तब तक आप सबको मेरी घनी घनी राम राम।